हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का वापस अपना लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और लाइट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम अपना मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया, हमने रे डायग्राम्स को कवर किया था सारे, और उनकी प्रॉपर्टीज, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कवर किया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम क्या करने हैं, अपना मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, पहले मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये आपका रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, वी और यू। ये वी क्या है बेटा आपका, यह है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और यू क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्या है मतलब इसका, चलिए आपको एक बार सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप देखना, ये आपने क्या बनाया अपना कॉनकेव मिरर, ये आपने बनाया पोल, ये लाइन सीधी पास हुई, ये क्या था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज आपका फोकस, ठीक है। तो जो आपका पोल और फोकस के बीच का जो ये दूरी होती थी, जो ये डिस्टेंस होता था, इसको क्या बोलते थे आप, फोकल लेंथ बोलते थे, हां कि ना, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट यहां बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने यहां बनाया, तो ये आपका इस मिरर का, यहां से ऑब्जेक्ट है ना, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट से इस मिरर की ये जो दूरी होती थी, ये जो डिस्टेंस होता था, इसको क्या बोलते थे आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है। और जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए आपका जो इमेज बनी, वो मान लीजिए आपकी इमेज यहां बनी, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, तो इमेज का और यहां का, इस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको इस फोकल लेंथ, इस यू और वी के बीच में जो रिलेशन देने वाला हूं, उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है, जहां पे f क्या होता है आपका फोकल लेंथ, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको V दे देगा, आपको U दे देगा, आपको F निकलवाएगा, या तो F दे देगा, V दे देगा, आपसे U निकलवाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और रिलेशन आपको याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स यहां पर मिलेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गई वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो, साइन कन्वेंशन क्या होता है, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है ना, बस उसी को आप साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन में आपको क्या याद रखेंगे, देखो साइन कन्वेंशन में आपको तीन चार बातें यहां पर पूछी जाएंगी कि भैया आप ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला मैंने कहीं से 20 सेंटीमीटर, तो काफी बार आपको दिखेगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट को माइनस में ले रखा है, आगे माइनस साइन लगाया है। तो ये माइनस साइन क्यों लगाया जाता है, ड्यू टू साइन कन्वेंशन, और यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझने के लिए बस अपने को ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो जरा बोर्ड पे, याद आ रहा है कुछ, बचपन में पढ़ा है, ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये नीचे क्या जाता है आपका माइनस वाई एक्सिस, और ऊपर क्या होता है बेटा प्लस वाई एक्सिस,
किसने कहा सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, अरे नहीं पढ़ा तो अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहां आप क्या लिखते थे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, यहां क्या लिखते हैं बेटा माइनस में लिखते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि आप यहां कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और ऊपर किस में जाएगा आपका, प्लस में जाएगा, ठीक है। बस अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आप हर चीज को यहां पर समझ सकते हैं। यहां पे बस आपको क्या इमेजिन करना है, यहां पर इमेजिन करना है आपको कि भैया ये मेरे आपके मिरर का पोल है और यहां आपका मिरर रखा हुआ है, इसको इमेजिन कर लेंगे आपका यहां मिरर रखा हुआ है, क्लियर है वाली चीज, ठीक है। यहां पे आप ऐसे रख लीजिए, तो अगर आपकी कोई चीज यहां मौजूद हो, कोई अगर आपकी चीज ऐसी मौजूद हो ऊपर की तरफ हो, तो मैंने कहा भैया ये कहां रखा है, अगर मैं पूछूं इसका डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको किस में दिख रहा है, ये नेगेटिव में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप इसका जो डिस्टेंस रिपोर्ट करेंगे वो आप 4 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, आप माइनस 4 सेंटीमीटर करेंगे, समझ में आ गया। ये मैंने मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ही है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ, हाइट क्या है, तो हाइट आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, आप यहां पर हाइट को रिपोर्ट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लस 3 सेंटीमीटर। तो बस यही आपका नंबर लाइन का सारा कॉन्सेप्ट है और यही आपका साइन कन्वेंशन है। तो जरा आप इसको यहां पर थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, आप यहां पर देखिएगा, तो अगर आपका यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हो, तो हाइट को आप बताएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वो कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। यहां पर इसको बस नंबर लाइन कंसिडर कर लो, आप अपने आप आराम से आंसर आप हर चीज का कर पाओगे, ठीक है। कोई चीज अगर आपकी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है यानी माइनस एक्स एक्सिस में है, तो आप इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसकी हाइट को नेगेटिव में रिपोर्ट करेंगे। और कोई चीज अगर आपकी अपवर्ड में है तो इसकी हाइट को कैसे रिपोर्ट करेंगे, आप पॉजिटिव में रिपोर्ट करेंगे, क्लियर। जैसे मैंने बोला कि आपकी हाइट ऊपर की तरफ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अपवर्ड बोला ना मैंने ऊपर की तरफ, तो 5 सेंटीमीटर अपवर्ड मतलब आगे आप क्या लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे। अगर मैंने आपको बोला कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस 5 सेंटीमीटर है, माइनस 5 सेंटीमीटर छोड़ो, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स है, तो आप 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, उसको क्या लेंगे, माइनस 5 लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के फ्रंट में है, मिरर का ये कौन सा है, ये वाली साइड कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, मतलब ये फ्रंट होता है, इधर वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा क्या है आपका, फ्रंट है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट में पड़ा है मिरर के और कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी 20 सेंटीमीटर का मतलब यहां मान लीजिए आपका कहीं इधर की तरफ आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो मैंने कहा बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, तो यहां पे आपकी नंबर लाइन थी तो ये कौन सी में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये 20 नहीं होगा, ये कितना होगा, माइनस 20 होगा। और मैंने कहा कि अगर आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है राइट हैंड साइड में, ठीक है, यहां पे इमेज बना लेते हो, मैंने कहा ये आपकी 30 सेंटीमीटर पे है, तो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आप उसे 30 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लस 30 बोलेंगे, क्लियर हो गई वाली बात। तो ये सारी बातें आपकी साइन कन्वेंशन की है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर आई होप हो गई होंगी, क्लियर पक्का। चलिए आगे चलते हैं, मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन की अगर आप डेफिनेशन यहां पे पढ़ें तो मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को आप कैसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, इसका इक्वल्स टू किसका होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, को लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज कैसे दिखाते हैं, एच आई, और ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाते हैं, एच ओ, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। और यहां पे मैं आपको अभी एक सेकंड में एक और रिलेशन दूंगा, जहां पे आप ये वाला रिलेशन आपको मैंने किसमें दिया, ये किसका रिलेशन है, अगर आप यहां पर लिखें तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ
इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में मैंने आपको यहां पर रिलेशन दिया। अब मैं आपको किसके बीच में रिलेशन दूंगा, यहां पे आपको मैग्निफिकेशन का रिलेशन बताऊंगा मैं आपको किसके टर्म्स में, इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए मैग्निफिकेशन की तो आप यही लिखेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, माइनस वी अपॉन यू। यहां पे आपके दो चीजें यहां पे मैंने लिखी हुई हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक रिलेशन आता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच डैश से दिखा सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का और इमेज के डिस्टेंस में बात किया जाए तो वहां पे आप रिलेशन क्या लिखेंगे, माइनस वी अपॉन यू। समझ में आ गई वाली बात, बताओ पक्का क्लियर? ठीक है, तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके पास दोनों फॉर्मूलों को अगर आप ढंग से लिख लें तो आप इसको एक कॉपी में साइड में नोट करके लिख लीजिएगा कि मैग्निफिकेशन मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब आपसे कैसे निकलवाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे देगा आपको, आपसे मिरर फॉर्मूले, आपको मिरर फॉर्मूला देगा, मिरर फॉर्मूले के अंदर आपको क्या देगा, फोकल लेंथ देगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है, फोकल लेंथ आपको दे दिया, आपको v दे दिया, आपको इसकी मदद से मिरर फॉर्मूले से आपको यहां से u निकलवाएगा। ठीक है, आपको क्या दे देगा, हाइट ऑफ इमेज दे देगा, हाइट ऑफ इमेज दे देगा आपको, क्या मांगेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल लेंगे, यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। और इसके बाद आपसे क्या मांग लेगा, मैग्निफिकेशन भी निकाल के दो। तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है, जहां पे आपके दो या तीन कॉन्सेप्ट को वहां पर वो यूज करवाता है और देखता है कि आपको मैग्निफिकेशन के बारे में कितना आइडिया है और आप उन फॉर्मूलों को यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक आध न्यूमेरिकल हम इसके कर लेंगे, बट आपको मैंने वे बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस वाली बातों को बता, ये जो दो बातें बता रहा हूं ना, इनको स्टार मार्क बना के अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अ नेगेटिव साइन, अगर मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव साइन आया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लीजिए आपकी -3 या -4 आई, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी आपकी, रियल इमेज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन में बेटा अगर आपका पॉजिटिव साइन आया, तो पॉजिटिव साइन आने का मतलब है कि इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, अगर आपके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी वहां पे बेटा, रियल बनेगी। और पॉजिटिव साइन आने का मतलब है आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। समझना, रिफ्रैक्शन समझने के लिए अपने को तीन चीजों के बारे में डिफ्रेंसिएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक और ट्रांसलूकेंट। बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अभी तक हमने एक चीज पढ़ी है, कौन सी चीज पढ़ी हमने, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन की बात करी, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने सारी बातें पढ़ी। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने बेटा आपको, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, लाइट रिफ्लेक्शन, सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर हम पॉइंट पढ़ें तो फर्स्ट क्या है, थ्री डिफरेंट थिंग्स हैपन व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस, इट गेट रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड।
जब भी आपकी लाइट कहीं भी टकराती है, मान लीजिए वॉल पे टकराए, कहीं पे टकराए, तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? या तो लाइट टकरा के वापस निकल जाए, मतलब रिफ्लेक्टेड हो जाए, या तो लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट आई और इसके आगे जा ही नहीं पाई, इस सरफेस ने आपकी इसकी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और अगली चीज क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड, या तो अपने अंदर से लाइट को पास कर दे। ये तीन चीजों के अलावा लाइट के साथ कुछ नहीं हो सकता। जब भी लाइट आपकी किसी भी सरफेस से टकराए तो या तो रिफ्लेक्टेड होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी, और या तो आपकी ट्रांसमिटेड होगी। ठीक है, सब्सटेंस विच ट्रांसमिट मोस्ट ऑफ द लाइट, ऐसे मटेरियल जो आपकी मोस्ट ऑफ द लाइट को आपके क्या कर देता है बेटा, आगे निकाल देता है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, ऐसे मटेरियल जो आपके क्या करते हैं, विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब द लाइट, जो क्या करते हैं आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, आपके कुछ लाइट को पास करते हैं बट सारी लाइट्स को पास नहीं करते, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूकेंट बोलते हैं। सर इन तीनों के एग्जांपल दे दीजिए, लीजिए एग्जांपल पढ़ लीजिए। देखिए, पानी का गिलास भरा हुआ है, अगर इसमें से लाइट पास होगी तो ये आगे लाइट को आराम से पास कर देगा। ठीक है, ट्रांसल्यूकेंट, आप मान लीजिए कि आपने इस ग्लास के अंदर कुछ सीमेंट, आपने कुछ और मटेरियल भर रखा है, ठीक है, तो ग्लास हो गया आपका मटेरियल, तो ये क्या करेगा, आपकी सारी लाइट को आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, कुछ लाइट को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा। और अगर मैं इस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपकी लाइट को आगे ट्रांसफर नहीं करने देगा। तो ये तीनों आपके एक बेस्ट एग्जांपल है, बाकी इन तीनों को और डिटेल में मैं आपको करा देता हूं। जैसे अगर आप ऑप्टिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, जिसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते कि लाइट आगे पास हो रही है कि नहीं हो रही, और जनरली लाइट आपके आगे पास नहीं होती। यहां से आप लाइट लाए, यहां से आपकी लाइट आ रही है बेटा, और लाइट आपकी आगे पास नहीं हो रही। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपके लाइट को आगे पास नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सर एग्जांपल क्या क्या हो गए इनके, वुड हो गया, स्टोन हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। क्लियर हो गया, यहां पर आपका लिखा हुआ कि मीडियम दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, क्लियर है वाली चीज पक्का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट आ गया, जो आपके क्या करते हैं बेटा, ऐसे मटेरियल जो आपकी लाइट को आगे पास कर देते हैं, मीडियम दैट अलाउ लाइट इंसिडेंट एंड पास थ्रू इट, ऐसे मटेरियल जो आगे लाइट को पास कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल बोला जाता है। जैसे अगर आप देखिए, आपने ग्लास के अंदर पानी भर रखा है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्लास के अंदर आपने यहां पे पानी भर रखा है, तो अगर आपकी लाइट आई तो लाइट को ये आगे पास कर देगा। ठीक है, ऐसे ही सेम आप यहां पर भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, प्योर वाटर, कैरोसिन, ठीक है, ग्लास होगा, ये सारे इसके एग्जांपल है, क्योंकि लाइट यहां पर आप देख सकते हो कि लाइट आपकी पास हो रही है। आप लोगों ने एग्जांपल भी देखा होगा ना, आप ग्लास रख दो और ग्लास के आपको ग्लास को रखो आप धूप में और धूप के आप पीछे आ जाओ, ग्लास आपने यहां रखा है, ये सन है और आप यहां आ जाओ, तो आप देखना कि लाइट आपके ग्लास के अंदर से आराम से पास हो रही होगी। तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। और ट्रांसल्यूकेंट मटेरियल क्या होते हैं, कि जो बेटा आपके कुछ ही पार्ट लाइट को आगे पास करते हैं। हम लोग सनग्लासेस पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं, कि भैया धूप हमारी आंखों में ना लगे। तो अगर आपकी धूप की अमाउंट इंटेंसिटी मान लो कि आपकी 100 है, तो 100 में से 80% लाइट आपकी इस सनग्लासेस से पास नहीं होगी, सिर्फ 20% लाइट ही आपकी पास होगी। तो यहां पे आप डेफिनेशन पढ़िएगा, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड क्लियरली, अगर हम इससे देखते हैं तो हम क्लियरली नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट्स को, बाहर के ऑब्जेक्ट्स को, बट सम लाइट्स आर देयर, ठीक है, अ मीडियम, यहां पढ़ना ये वाला पॉइंट पढ़ना जो सेकंड वाला पॉइंट है, अ मीडियम दैट अलाउज ओनली वन पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट, एक पार्ट ही लाइट को आगे भेजता है और बाकी को पास नहीं करता, सिर्फ एक ही लाइट, एक ही पार्ट को लाइट के पास करता है। जैसे कुछ पार्ट लाइन का है, मैंने आपको 100% वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप उसकी मदद से यहां पर बता सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, बटर पेपर, सनग्लासेस,
प्लास्टिक, ये सारे इसके एग्जाम्पल है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन चीज़ों को। बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलिए ईजी था ये तीनों, ये तीनों आपने क्लास 7th 8th में भी पढ़े होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ना इनको। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका लाइट आई, ठीक है, मान लीजिए लाइट आपकी किसी मीडियम में है, मीडियम मतलब मान लीजिए आपकी एयर में, अभी ना एयर वन, एयर में अभी लाइट को यहां लिख लेते हैं एयर में, ठीक है। जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम टू में आप यहां ग्लास मान लीजिए, ग्लास मान लीजिए यहां पे, ठीक है। तो जब लाइट आपकी एक मीडियम से, पहले एयर में थी और यहां पे किससे पास कर रही है, आपके ग्लास से पास कर रही है, तो जब लाइट आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस लाइट की क्या होती है, यहां पर बेंडिंग होती है। क्या होती है बेटा? यहां पर लाइट की बेंडिंग होती है और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ो, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना इन विच द बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो वहां पर आपकी लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ना, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। अब आप में से किसी ने पूछा कि सर यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट होने का कारण क्या है, क्यों ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे बेंड हो रही है, या फिर अगर आप बोलो कि क्यों लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो हमारी एयर होती है ना, एयर के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में डिफरेंट होती है, और जब आपकी ये लाइट किसी और मीडियम से पास करती है तो किसी और मीडियम से पास करने पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई टीचर पूछे, कोई बच्चा पूछे, बता भाई क्यों आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, क्यों आपकी लाइट रिफ्रैक्ट करती है, तो आप रीजन क्या देंगे कि सर जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर वो लाइट क्या करती है, बेंड करती है, और बेंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन इसी वजह से हुआ सर, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर के अंदर कुछ और थी और आपके दूसरे मटीरियल जो ग्लास है, ग्लास के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कुछ डिफरेंट है। समझ में आ गया? अब फिर किसी ने पूछा सर स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? एयर में आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10^2 m/s। और अगला टॉपिक अपना यही है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आप देखेंगे तो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं जहां पर कोई भी आपके पार्टिकल्स नहीं होते तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 3 × 10^8। और अगर मैं एयर की बात करूं, काफी लोग बता देते हैं कि भैया एयर और आपकी वैक्यूम दोनों एक ही चीज है, ये गलत बात है। वैक्यूम क्या होता है बेटा? कि वैक्यूम में जहां पर आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं होते, ना छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद नहीं होते, ठीक है, तो इस चीज को हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10^8 m/s। और अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में ना बेटा इस वाली लाइट जो आपकी लिखी है ना 3 × 10^8 से थोड़ी सी कम होती है, यहां पर लेस होती है, थोड़ी सी आपकी क्या होती है बेटा, लेस होती है। तो यहां पे पढ़ सकते हो कि लाइट ट्रेवल विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इट फास्टेस्ट ट्रेवल इन वैक्यूम। सबसे ज्यादा जो आपकी फास्ट ट्रेवल करती है वो वैक्यूम में करती है, क्योंकि यहां पर लाइट को रोकने वाला और इनसे टकराने वाला कोई नहीं होता, और एयर के अंदर स्लाइटली लेस होती है। आपको कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कहीं एयर की जगह वैक्यूम दिखेगा और वैक्यूम की जगह एयर दिखेगा, तो वो लेट कर लेते हैं कि एयर और वैक्यूम एक ही चीज है, ठीक है, तो वहां पे आपके क्वेश्चंस अलग तरीके से होंगे। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
एक्चुअल में होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डेफिनेशन पढ़िएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इन द पेयर ऑफ मीडिया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन इन पेयर ऑफ मीडिया. क्या मतलब है इसका? समझ में आया नहीं आया? मैं हूं तो समझाने के लिए, क्या दिक्कत है? समझना, आपने क्या करा, आपकी लाइट एक मीडियम में आई, आपकी लाइट इस मीडियम में आई, एक मीडियम से आ रही है. यहां पे आप मान लीजिए ये मीडियम वन है और लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. तो ये बात तो बेटा कंफर्म है कि जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो यहां पर क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट की यहां पर क्या होगी बेटा? बेंडिंग होगी. और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को आप क्या बोलते हैं? इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं सर? रिफ्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर है वाली बात? ठीक. बट सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर बेटा जो आपने मटेरियल लिया ना, ये दूसरा वाला जो मटेरियल लिया है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, तो जो लाइट आपकी पहले थोड़ी सी बेंड कर रही थी वो बहुत ज्यादा बेंड करती है. तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि किसी भी मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा. समझ में आ गया? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर. तो यहां पर अगर आप इस वाली इमेज में आप ध्यान से देखें तो यहां देखिएगा, ये क्या है बेटा आपकी इंसिडेंट रे, ये क्या है बेटा आपकी इंसिडेंट रे है. ये बाहर क्या है आपका? एक मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, एयर मान लीजिए. ये बाहर आपकी एयर है और लाइट आपकी ऐसे आई. अगर लाइट को जाना कैसे चाहिए था? एकदम सीधे जाना चाहिए था. बट ये जो दूसरा मटीरियल है, जो आपने ग्लास का ले लिया या कुछ भी ले लिया, उसकी वजह से आपका जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट का क्या हुआ? बेंडिंग हुई. इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं. और ये बेंडिंग किस वजह से हुई? क्योंकि सर जो आपने ये मटेरियल लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? डिफरेंट था या फिर बाहर वाले से ज्यादा था या कम था, कुछ भी था. तो टोटल बात, अगर काम की बात, आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है? काम की बात आपको ये याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी ऐसी एक रिलेटिव वैल्यू बताता है जहां पे लाइट आपकी कितनी बेंड करेगी. किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब वो लाइट सर वहां पर ज्यादा बेंड करेगी, और जिसका कम होगा वहां पर सर लाइट कम बेंड करेगी. क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर आपको कुछ बातें बता रखी हैं, ये समझिएगा, ठीक है. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड. चलिए ठीक है. अब क्या पॉइंट लिखा है यहां? फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम टेकन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन. और ये लिखा है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको ये बात बता दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. बेसिकली आपकी स्पीड ऑफ लाइट बताता है और आपकी बेंडिंग बताता है कि कितनी होगी. अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा ताल्लुक होता है आपके स्पीड ऑफ लाइट से. इसको थोड़ा सा मैं अगर छोटा करूं जिससे मैं आपको यहां पर चीजें और क्लियर कर सकूं, इसको अभी हम बड़ा कर लेंगे, इसको यहां रख देते हैं अभी, ठीक है. चलो देखना यहां, समझना. अभी आपकी देखिए, मान लीजिए ये मटेरियल था, ये आपका, मैंने मान लीजिए ये मटेरियल है आपका ग्लास है, ठीक है. हमने क्या बोल दिया, ये ग्लास है, कोई भी मटेरियल मान लीजिए, ठीक है. चलिए आपकी बाहर से ये क्या आई बेटा? इंसिडेंट रे आई. ये कौन सी रे आई बेटा? इंसिडेंट रे आई, ठीक है. लाइट को जाना कैसे था बेटा? लाइट को सर ऐसे आगे की तरफ ऐसे जाना था, बट लाइट बेटा ऐसे नहीं गई, लाइट आपकी ऐसे नहीं गई. तो सर लाइट हमारी कैसे गई? एक्चुअल में लाइट बाहर थी, तो बाहर कौन सा मटेरियल था आपका, या बाहर कौन सा मीडियम था? एयर था. तो लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिखते चलो, यहां पर क्या हो रहा है सर? मीडियम चेंज हो रहा है. यहां पर क्या हो रहा है बेटा? मीडियम चेंज हो रहा है.
तो मीडियम चेंज होने का मतलब है कि लाइट आपकी एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो इंसिडेंट रे के यहां पर आपके 90 डिग्री में क्या खींची जाती है, नॉर्मल खींची जाती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो लाइट को एक्चुअल में जाना ऐसे था सीधे सीधे, बट लाइट ऐसे नहीं जाती, लाइट आपकी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है यहां पर, बेंड हो जाती है। और अगर मैं पूछूं कि यहां पर बेंड क्यों हुई, वो आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि सर ग्लास का यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। और बेंडिंग का अगर मैं और रीजन आपसे थोड़ा और डिटेल में पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर एयर के अंदर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट थी और आपकी ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, इसी वजह से आपका ये चीज कुछ आई। क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा आपको यहां पर लिखूं तो यहां पे आप समझिएगा कि लाइट आपकी गई कहां से कहां। सर लाइट हमारी एयर से ग्लास में गई। कहां पे गई? एयर से ग्लास में गई, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एयर से ग्लास में जा रही है, तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, मान लीजिए आपने इसके एयर वाले को आपने यहां पर इस वाले एयर के आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लिया, एयर वाले को आपने आपने एयर को मान लिया 2, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने मान लिया 2 और इसको मान लिया 1। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि लाइट एन 2 1, तो एन 2 1 का मतलब क्या है, यहां समझना, एन 2 1 का मतलब है, इसको उल्टा लिख लीजिए, इसको एयर वन मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ये आपने लिखा। तो एन 2 1 का मतलब क्या है कि सर जो हमारी लाइट है ना, वो लाइट आपके फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। क्या मतलब है एन 2 1 का, लाइट आपके फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है। समझ में आ गया? तो पहले मीडियम में क्या होगी आपकी, अगर मैं पूछूं बेंडिंग का रीजन क्या था तो आप क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, इसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी और इसमें भी आपकी कुछ और थी। तो लाइट गई कहां, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी चीज को, इन दोनों के इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट के आपके रेशियो को, स्पीड ऑफ लाइट के दो डिफरेंट मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, वो ये वाला पॉइंट था। क्लियर हो गया? एक बार थोड़ा सा और आपको समझा देता हूं, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिएगा, तो यहां क्या लिखा है कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम में लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, v1 थी, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 थी। मैंने कह दिया कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी आपकी, v1, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, v2 थी। लाइट आपकी कहां से कहां जा रही थी, लाइट हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी। तो अगर हमें इस केस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे n 2 1। 2 1 का मतलब लाइट फर्स्ट मीडियम से कहां जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो यहां क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये आ गया आपका रिलेशन। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है कि अबव एक्सप्रेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। चलिए अगर मैंने इसको ऐसे लिख देता, अगर मैंने इसको यहां लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया n 1 2, अगर मैं किसे पूछूं n 1 2 का क्या मतलब है,
तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है यानी आपकी जो लाइट है वो कहां से जा रही है, वो सेकंड मीडियम से कहां जा रही है बेटा, फर्स्ट मीडियम पे जा रही है। लाइट आपकी कहां से जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पे जा रही है, इसीलिए आपकी ऊपर क्या लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। समझ में आई वाली चीज कि नहीं आई बताओ, ये वाली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जगह आपको ये कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो गई तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं बस एक बार जल्दी से कंक्लूजन आपको यहां पर पूछूं तो जल्दी से मुझे कंक्लूजन बताना कि एन टू वन का मतलब क्या है। एन टू वन का मतलब लाइट फर्स्ट मीडियम से कहां जा रही है, सेकेंड मीडियम पे जा रही है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट किसकी, इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और अगर आपने यहां लिख दिया n12 का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ, सर आपकी जो लाइट है वो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पे जा रही है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। और इन्हीं दोनों को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चलो और कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एक चीज लिखूं, देखते हैं आप लोगों में से कितनी चीज बता पाते हैं। अगर मैंने लिखा एन, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, एन जी ए, बताओ लाइट आपकी कहां से कहां जा रही है, क्या बोलोगे, सर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो यहां क्या लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जब आप आगे 12th क्लास में जाएंगे तो ये चीज का कॉन्सेप्ट आपको काफी कंफ्यूज करता था जो, और जो मेरे को भी कंफ्यूज किया था अपने 10th के टाइम पे, तो ये चीज मैंने आपको यहां पर क्लियर करा दी। क्लियर जी, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहां पर डेफिनेशन पढ़िएगा कि व्हेन वन मीडियम, जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, जब आप एक मीडियम क्या ले ले वहां पर वैक्यूम ले ले और दूसरा मीडियम क्या ले ले, कुछ भी ले ले, तो वो क्या कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जो आपको मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कराया था उसी वाले एग्जाम्पल पे आप यहां पर बोल सकते हैं, समझना। जब आपकी लाइट एयर और वैक्यूम में डिफरेंस होता है, बट काफी जगह मैं आपको एयर की जगह वैक्यूम लिख दूंगा तो आप समझ जाना। तो यहां पर जब मैंने बोला कि आपकी लाइट वैक्यूम से किसी और मटेरियल में जा रही है, इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट मीडियम है, वो फर्स्ट मीडियम आपने क्या लिया, वैक्यूम लिया, और सेकंड आपने मीडियम क्या लिया, ग्लास लिया। तो अगर आप इसको यहां दिखाना चाहें तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, जरा समझिएगा। अगर मैंने इसको लिख दिया एन ग्लास और वैक्यूम लिखा, तो इसका मतलब क्या है बताओ, एमजीवी का, कि लाइट आपकी कहां से जा रही है, वैक्यूम से ग्लास में जा रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम में। समझ में आ गया, मीडियम को बेटा कई बार ना जर्नली आप क्या करते हो, मीडियम को ना टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मीडियम को हम टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया एन टू और वी मतलब क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम को कई बार हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर एन टू लिख दिया, अगर वैक्यूम ना लिखा हो तो आप इसको जर्नली आप वन मान लीजिएगा या वी मान लीजिएगा, ठीक है। तो एन टू वन या फिर एन टू लिखने का मतलब क्या है, कि लाइट आपकी कहां जा रही है, वैक्यूम से
कहाँ जा रही है बेटा, किसी भी मीडियम में जा रही है। तो यहां अगर आप लिख लेंगे N2 लिखा आपने और यहां आपने 1 लिख लिया, तो 1 का मतलब क्या है, वैक्यूम है। तो 1 से 2 में जा रही है और 1 में क्या है, वैक्यूम। तो आप यहां क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, समझते रहना, ये देखते रहना बस, ठीक है। इस वन वाली चीज को मैंने बता दिया कि आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको यहां पे जनरली टू लिख देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जब वैक्यूम में होती है ना, इस चीज को क्या बोल देते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी क्या होती है, आप में से किसी ने फिर मुझसे पूछा सर सी क्या होती है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और किसके इक्वल होती है, हां कि ना जी। तो यहां पे आपने लिखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया, बताओ क्लियर है कि नहीं वाली बात, हां कि ना। इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था ये वाली चीज, ठीक है। तो इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका देखो यहां क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लाइटली फास्टर देन इन एयर। ये वाली बात तो मैंने बताई दी कि वैक्यूम के अंदर आपकी लाइट क्या होती है, बहुत स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में या वैक्यूम में हम इसको जनरली किससे कंसिडर कर लेते हैं, सी से कंसिडर कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, और मीडियम को क्या बोल देते हैं बेटा, वी बोल देते हैं। वही वाली चीज हो गई जो मैंने आपको बताया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने मैंने एक लिस्ट दी हुई है यहां पे, ये लिस्ट किसकी है, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जहां पे आपने एक मटेरियल क्या लिया, वैक्यूम का लिया है, और दूसरा मटेरियल कोई डिफरेंट लिया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना होता है, 1.0003 होता है, जिसको आप नियरली इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। आइस का कितना होता है, 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, 1.46, 1.47। तो ये सारे आपको बस एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिए। अगर आपको जो याद रखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इसका याद रखिएगा डायमंड का, और आप याद रखिएगा एयर का और केरोसिन का। एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पे आप बात नोट करके लिख सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.36, और जो केरोसिन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.44। तो ये बात कहीं नोट करके लिख लेना कि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा आता है अल्कोहल से। ये वाली बात मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई, तो यहां तक हम करेंगे इस क्लास में। बाकी आपका डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, लाइट आपकी ऑप्टिकल से डेंसर में, डेंसर से ऑप्टिकल में जाती है तो क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।